दोस्तों साउथ दिल्ली का छतरपुर इलाके का यही वो घर है जहां पर एक मासूम लड़की को उस लड़के ने कत्ल कर दिया था, जिसके भरोसे पर वो अपना घर अपना परिवार छोड़कर आई थी। ये घर है और ये मोहल्ले के तमाम लोग हैं जो पिछले 6 महीने से उनके पड़ोसी थे। हालांकि इनको भी ज़्यादा पता नहीं है कि वो लड़का इस तरह के मंसूबों के साथ यहाँ पर आया हुआ है, एक मासूम लड़की को बहका कर लाया इस घर में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन पड़ोसियों से जो यहाँ पर रहते। क्या नाम है बेटा आपका? रिया। रिया, यहाँ पर जो मामला हुआ उसके बारे में जानते हैं कुछ आप? हाँ जानते हैं। क्या, खड़े हो जाइए एक बार आप। क्या पूछो, आप पूछो ना, क्या जानना है आप? नहीं, बिना पूछे ही बताइए क्या क्या जानती हैं आप, तक क्या जानकारी है आपको? जानकारी मेरे को इतना पता है कि उसके जो दिमाग की जो उसकी मेंटेलिटी है वो एक साधारण इंसान से अलग है। आफ्ताब की? हाँ, जैसे एक नॉर्मल इंसान अगर एक बार को कुछ करने से पहले सोचता है ना, वो नहीं सोचा उसने। अच्छा, उसके अंदर जो इंसानियत नाम की जो चीज होती है ना, उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। आपने देखा उसको कभी? देखा, मैंने नहीं देखा उसको कभी। और जो यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं उन लोगों ने भी उसको ज्यादातर देखा नहीं होगा, क्योंकि निकलता नहीं घर से तो देखेगा कैसे कोई? कम देखा। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? आप बता रही थी कि एक बार देखा। प्रिया, इधर को देखे, तो कभी आपने उसको कहाँ, आप कहाँ रहती हैं? जी मैं यहीं पे रहती हूँ छतरपुर में, और मैं यहाँ पे मतलब आती रहती हूँ, तो मैंने उसे देखा था एक बार। अच्छा, तो क्या कर रहा था उस वक्त? फोन पे बात कर रहा था किसी से। अच्छा, इंग्लिश में बात कर रहा था। अच्छा, बस मैंने उसे उसी टाइम एक बार देखा, बाकी तो न्यूज में उसकी चर्चा हो ही रही है। अच्छा, तो आपने तब न्यूज में उसका फोटो देखकर पहचाना कि ये तो वही लड़का है? हाँ। कुछ अलग सा लगा जैसे नॉर्मल लड़के होते हैं, कुछ अलग सा लगा जैसे आपने रिकॉग्नाइज किया उसको? देखने में तो लग ही रहा था कि हाई क्वालिफाइड है, अच्छे से बात कर रहा है, और बोलने का जो तरीका उससे लग रही थी ना कॉन्फिडेंस, कि एकदम पारी था कॉन्फिडेंस लेवल, कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रहा है। यानी काफी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी, और इसी के बल पर उसने लड़कियों को फंसाने का जो साजिश थी वो रचा करता था, एक के बाद नई लड़कियां। ये सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने है, राम सिंह जी नाम है आपका, मेरा अभी डिस्कस होता। राम सिंह जी, बिल्कुल आपके सामने मकान है, इतना बड़ा कांड हुआ, पहले तो आप इस कांड के बारे में, फिर उनके बिहेव के बारे में, फिर उनके रिलेशन के बारे में कुछ अगर बताएं तो बेहतर होगा। देखो, रिलेशन के उनसे हमारा कोई वैसे तो बोल चलती ही नहीं, और वो बाहर पास पड़ोसों को मतलब रखता ही नहीं था, अंदर ही रहता था वो। अच्छा, संबंध नहीं था किसी तरह से, कोई मतलब नहीं रहता था, परदेसी आदमी है किसी से मतलब? कोई मतलब नहीं, दरवाजा बंद ही रखता था, अगर जो कोई डिलीवरी वाला आता था खाना ऑर्डर मतलब जैसे उन्होंने ऑर्डर किया है तो वहाँ एड्रेस पूछता था या वो पूछता था, तो बस वो नीचे उतर के आता था और लेके चला जाता था ऊपर। हाँ, खाना वो लगातार ऐप के थ्रू ही मंगाता था? ऐप के थ्रू ही मंगाता था। कभी बातचीत हुई उससे? मेरे से नहीं, वो तो एक बार किराएदार ने जब मोटर के लिए बुलाया था उस समय आया था वो नीचे उतर के, और मैंने समझाया था उनको ऐसे ऐसे आपके ये वाली मोटर आपकी है, ये वाली आपकी है, और गेट वाल वगैरह जो उनके मोटर ऑपरेट करने का वो समझाया था, तो उस समय बस उन्होंने कम्युनिकेशन हुआ। हाँ, बस उसी किस तरह की बात थी, किस तरह की बात है? कभी लगा कि आपको ये लड़का इतना सातिर निकलेगा, इतना मतलब कि? लगा नहीं बिल्कुल, एकदम शांत हो आप, ऐसे कुछ नहीं है, हमने तो कुछ ऐसे सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। आपको लगा नहीं कि एक लड़का एक लड़की का कत्ल करने के बाद 20 दिन तक लाश को यहाँ छुपाए रखा, और हर दिन रात को 2 बजे निकलता था और डिस्पोज करके आ जाता था, पड़ोस में किसी को पता नहीं चला कि रात के 2 बजे लड़का निकलता है या नहीं? उस समय सोने का समय होता सबका, हमने तो देखा नहीं मतलब निकलते हुए। अच्छा, जो अगरबत्ती धूपबत्ती जलाता था ताकि जो बदबू थी उसकी 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 पड़ोस में ना फैले, तो कभी इस तरह कभी अबनॉर्मलिटी महसूस हो नहीं? हमें तो ऐसा नहीं, क्योंकि देखो बगल में आपके ऊपर नीचे किराएदार रह रहे हैं, जब उन्होंने ही नहीं आए तो हमको कहाँ से आ जाएंगे? ऊपर वाले किराएदार को भी पता नहीं? नहीं पता। अच्छा मैडम, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम कुसुमलता है। कुसुम जी, ये जो मामला है इसके बारे में क्या कभी देखा आपने लड़की को या उस लड़के को कभी आपने आते जाते, क्योंकि सामने का मामला है? नहीं, लड़की को कभी नहीं देखा मैंने, लड़के को ही बस 2-4 बार आते जाते देखा है। लड़के को? जी। लड़की को नहीं? लड़की को नहीं देखा है मैंने। अच्छा जी। और कभी की इन्होंने बातचीत करने की कोशिश नहीं की वैसे? नहीं, कभी किसी से किसी से भी नहीं बात करते थे, बस बाहर निकला अपना जो भी सामान लिया ऊपर चले गए, कभी किसी से बात नहीं करते थे यहाँ पे।
छह महीने रहे लेकिन पता मतलब बिल्कुल पता ही नहीं, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी तरह की, नहीं नहीं कोई जरूर, बीच में दो चार दिन पानी नहीं आया था तो यहाँ पड़ोस से वो पानी भर के लेके आया था लड़का जी। अच्छा। के आंटी दो चार बाल्टी पानी भरवा दो, तो उनके आंटी के घर से भर के लेके गया पानी बस। उसके वैसे और किसी से कभी कोई बातचीत नहीं करता था, लगा नहीं लेकिन किस तरह का कारनामा ये लड़का कर सकता, नहीं देखने से कभी नहीं लगा, फेस से एकदम नॉर्मली रहता था, तो कभी ऐसे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ सातिर दिमाग का है, ऐसा कुछ कांड कर सकता है। लड़की आती जाती दिखाई दी होगी, लड़की कैसे, लड़की हमने देखी ही नहीं है। अच्छा। लड़की तो देखी ही नहीं, ना आते जाते नहीं कभी नहीं, तो हमें तो जब ये सब हुआ है तब हमने लड़की की फोटो देखी है कि भाई कौन सी लड़की थी, लड़की यहाँ कभी दिखाई नहीं थी, कभी बाहर निकलती ही नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि कितने सातिर दिमाग ये लड़का था, ना किसी से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना, ना बात करनी है, और बस टू द पॉइंट रहना, अपने घर आना, कभी जरूरत पड़ी तो बाहर चले। आप देख सकते हैं तमाम जो पड़ोस के लोग हैं उनको भी बड़ा झटका लगा, सदमा लगा कि इस मोहल्ले में इनके साथ उनके पास में इतना बड़ा कारनामा हो गया और उनको खबर नहीं। आइए आप चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक छोटा सा घर है, इस घर में फर्स्ट फ्लोर पर ये रहते थे, आइए नीचे भी कोई लोग साथ रहते हैं लेकिन ऊपर अगर आप आएंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर पर आपको महसूस होगा कि बिल्कुल ही यही वो फ्लैट है, ये दरवाज़ा है, हालांकि पुलिस ने इस दरवाजे को अब लॉक कर रखा है, ताला लगा रखा है। अभी आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बंद है, ये ताला लगा रखा है, पुलिस यहाँ पर आती है जांच करके ले जाती है, और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पैकेजिंग के जो सामान है वो महसूस होगा आपको पड़े हुए, जो सामान वो मंगवाता था ऑनलाइन वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देगी। ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं लेकिन उनको भी कानों कान ये खबर नहीं हुई कि आपके नीचे जो लोग रहते हैं उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, और सामने और ऊपर तमाम लोग इस बात से अनजान थे कि उनके पड़ोस में एक मासूम लड़की के शरीर के 35 टुकड़े किए गए हैं, और लगातार 20 दिन तक ये लड़का उन टुकड़ों को रात के 2 बजे अपने बैग में ले जाकर जंगलों में फेंक कर आता है, फिर हत्या के बाद भी फ्रिज में रखे रहने के बाद भी एक नई लड़की को लाता है, उसको यहाँ रखता है, उस लड़की को भी पता नहीं लगता, और तमाम चीज़ें बड़ी सफाई से करता है। हालांकि जब उनके जो लड़की के दोस्त थे तब जब उसके भाई को बताता है उसका दोस्त लक्ष्मण कि उसकी बहन श्रद्धा से 2 महीने से बात नहीं हुई, तब उसके पिता यहाँ पर आते हैं, हालांकि इसका मानना था कि श्रद्धा के परिवार वाले यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि श्रद्धा ने इसकी बदौलत अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन वो क्योंकि पिता था उसकी जो मन की जो प्रेम था वो कभी ख़त्म नहीं होता, औलाद चाहे के इतनी भी बेवफा निकले कैसे भी निकले लेकिन बाप माँ एक जैसी होती है, उनका हृदय कभी नहीं अपनी संतान से विमुख होता, माँ इसी सदमे में चली गई, पिता ने अलग रहते हुए भी इस कसम के बाद भी कि इस लड़की से कभी बात नहीं करूँगा, उसके बाद भी फिर से यहाँ आकर FIR दर्ज कराई, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये सारी बातें निकल कर सामने आई। हालांकि पुलिस को भी ये लड़का बरगलाता रहा और कहता लगाया कि वो 22 मई को ही यहाँ से चली गई थी अपना फ़ोन लेकर तमाम चीज़ें यहाँ छोड़कर, और मैं उससे नहीं जानता, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि 26 मई को तो ट्रांजेक्शन हुआ है 56,000 का आफ्ताब के अकाउंट में, श्रद्धा के अकाउंट से, उसका फ़ोन लगातार चलता रहा, और ये जब बात इससे पूछी गई तो वो टूट गया, उसने कहा कि हाँ मैंने कत्ल किया था, लेकिन जो सबूत के रूप में चाकू है आ रही है जिससे बॉडी के पार्ट किए गए, और वो जो फ़ोन है जो श्रद्धा यूज करती थी वो, उसका पता नहीं दे रहा। पुलिस जंगलों की छान मार रही है, देख रही है, उन पार्ट्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि लंबा समय हो चुका है, बरसात गुजर चुकी है और डिकम्पोज हो चुके हैं ज़्यादातर हिस्से, कुछ हिस्से बरामद किए हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी और तमाम चीज़ें, उनका DNA सैंपलिंग कराई जा रही है, मैप कराया जा रहा है ताकि सबूत हाथ लगे, लेकिन ये खबर पूरे देश के साथ एक झटके के रूप में सामने आई। और इसी तरह से आप देख सकते हैं पड़ोस के लोग भी हैं जो उनको लग रहा है कि कैसे एक आम जो जो साधारण से दिखने वाले ये दोनों लड़के लड़कियां किस तरह से इस तरह से घटना को अंजाम दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी वो घटना जिसकी वजह से पूरा देश सदमे में है, और इसी घर में वो लोग रहते थे और इसी घर में उसने इस कारनामे को अंजाम दिया। मेरी कोशिश थी आपको अपडेट जानकारी देने की, आप क्या सोचते जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।